सो गुड मॉर्निंग और सुबह हो गया है तो आपको अगर जन्नत दिखना है तो रात का व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि मेरा तबीयत बहुत खराब था, पेट दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। कल रात में आके हम लोग बहुत कुछ खाया, हमने रोटी खाया, चिकन खाया और उन्होंने फ्रेश बना के सर्व किया रात के 1:30 बजे, और हमने बहुत सारा कुछ खाया और चावल था, दाल था, सब्जी था, चाय था, ठीक है, बहुत सुंदर है। अभी खाना खाने जाएंगे ब्रेकफास्ट, अभी से हो रहा है ब्लॉग का स्टॉप। ये सर देवदार है, ये पानी जम गया नीचे, देखो तुम पॉन्ड जमा हुआ है। टोस्ट बोल तू है, ये जा दिए चलो। सो बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, अभी टेम्परेचर चल रहा है -6 और देखो स्नोफॉल होने का चांस भी है, अभी स्नोफॉल होगा क्योंकि वेदर भी ऐसे ही बन रखा है। अगर देखोगे तो बहुत प्यारा व्यू है, इसमें हम लोग स्टे कर रहे हैं और इसी के साथ अभी जा रहे हैं मार्केट क्योंकि ये बंदा अभी ठंड में काँप रहा है, इसके पास कुछ भी नहीं है। सो मतलब ठंड का मतलब लेके नहीं आया है तो वो होके क्या, कोट लेके आया है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग मार्केट और भाई फील्स लाइक यहाँ पे -9। अच्छा देख 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 वो देखो वहाँ पे मैगी बन रही है, वहाँ मैगी बन रही है, कोई तो देखो कोई कोई अरे ये जो हाँ ये भाई भाई ध्यान से, वो लोग फोन छीन के भाग जाते हैं। चल चल चल, ये तो रहा हमारा क्यूट सा भाई, ये देखो बॉयफ्रेंड। ये तेरी तो पोड़ीज ने तारों पर दिन तो मार पड़ी के छोटे ढोका ढोका, और लड़कों का सब क्या लड़की के बच्चों का या लड़कों का, ये बच्चों का ये लॉन्ग से लॉन्ग लॉन्ग से ये अच्छा ये सब है 100 में 3 फ्रेश बैंगल्स में, सिर्फ बंगाली के लिए इन्होंने बोला मेरे को 4 मिल गए। ये सारे टोपी 80 रुपीस का, ये ले लेगा मेरे कपड़े मंगवाए, हाँ रेड है भल लगते हो मरून का उस माल में नहीं है बड़ा ये अच्छा लग रहा है भालो ये लूं देख ये लूं ना 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 इतने कोटा वालो वो अच्छा लगेगा लो हाँ ठीक है भाई जा रहा है सुन तो बर्फ गिर रही है कहाँ इधर आ आ जाओ लाइव स्नोबॉल कल रात में देख लिया। जब भी माउंटेन ठीक है ऊपर क्यों पड़ रही है, वो सो पड़ रहा है, वो सो पड़ रहा है, इधर भी आएगा, सुनो आएगा, चलो घर चलो बहुत ठीक पड़ रहा है। अरे बोल तो दू, बोलने ही नहीं दिया। पहली बार बंगाली होने का फायदा मिला है मुझे, बहुत अच्छा लगा अभिषेक भैया से, क्योंकि उनकी मम्मी वहाँ की थी, फादर यहाँ के, उनका शॉप जरूर विजिट करना ताकि चलो आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, मम्मी का शो लेना है। हाय मुस्तो भाई, ये क्या बोले मामूली, ये वो तो अनवी गोलू छत पड़ने वाली वो ये है, लाल लाल फुचका का ना सर, फुचका का होगा शायद, अरे रेड रेड पॉलिथीन के ऐसे चोर ना। यहाँ पर मंदिर हिरन का टेम्पल, फिर आज हम लोग नहीं जाएंगे, कल आएंगे।
पानी भी निकाली खा ली। ट्राउट चीज खाओ ना, ट्राउट अच्छी है, ट्राउट बहुत मीठी होती है, ताजा और सिद्धू भी खाओ, दो चीज खा लेना चाहिए। कितने का है ये? हाँ प्योर बंगाली, इसको आज कॉम्प्लीमेंट मिला है कि ये प्योर बंगाली लग रहा है। क्या फ्रूट जूस खा भी? नहीं घर पे। हाँ हाँ ठीक, सोना नहीं बनता दोनों। हाँ वो तो हम लोग ने सोना नहीं लगाया ना, हमें सिंपल लगाया, ये भी नहीं लगाया था, लेकिन आपका इसको बोलते शाका बाधा, शाका बोला है बाधा, इसमें भी सोना है, लेकिन ये अलग है, मेरा मोटा वाला भी है, इसमें तो सोना था मेरे पास में, लेकिन इसमें लग रहा है शाका मोटा नहीं चल रहा ना, नहीं उसमें पौला मोटा भी है, वही कर रहे हैं, हम लोग वहाँ भी सकते, दार्जिलिंग भी सकते, सारे तो बंगाल ही है। हाथ ऐसे अकड़ गए ना। हाँ हाँ मैं आपको बुनते हुए देखे ही इधर आई। अच्छा मैडम हमारा ग्लव्स है ना, इससे में से 200 लिख के 50 रुपये, 300 है। हाँ हाँ 300 है, एक ही लेना है। हाँ एक ही लेना है, बाद में आएंगे गिफ्ट के लिए, अभी तो है हम लोग यहाँ। कलर देख लो, तो ये बच्चों के लिए है ये टोपी, ये ले लो मैचिंग मैचिंग समझे, ये योलो वाला देखे, योलो योलो पानी के लिए ले लो, नहीं योलो बड़ा। हाँ अच्छा, इसका कितना प्राइस है? सेम प्राइस है, बट ये फ्रेश नहीं है। फ्रेश है, किसी ने लगाया नहीं, मैंने बना के रखा है, फ्रेश है। फिर और देख लो बच्चों का क्या है, ये भी है, फिर ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है ये वाला ले, घुसा दी मैं जानती इसको, ठीक है हो गया, थैंक यू। हम खुद बता रहे हैं आपको, जगह भी बता रहे हैं, कह रही खाते खाते चलेगी। अब ये जानो केसर भी एकदम, सुमेधा बोल रही है सुबह के 6 बजे उठना है, मतलब कल वो उठेगी, देखते हैं। मैं उठने का रीजन ये, मेरा 100+ फीवर था, कभी नहीं हो रहा था, उसके साथ देख लो तो उसके साथ पतला पॉटी हो रहा है, दिन में 15-16 बार करके, फिर भी चल फिर रही हूँ, ये काम है। इसका पैंट देखो थोड़ा सा, देखा क्या भीग गया और यक का पॉटी लग गया। मोई मोई, सो आप क्या खा रहे हो? ये अभी मैं सिड्डू का सिड्डू खाऊंगा, सिड्डू बना रहा हूँ अभी, तो अभी यही टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा है ये, क्या है उसके साथ। चटनी लेनी होती है, दो तरीके की चटनी है, घी भी होता है, हरी चटनी और मिर्च का है, कैसा टेस्ट है? बहुत अच्छा, ऑनेस्टली बताओ अच्छा है, ये काटना होता फूजी, काफी प्यारा देखने में, देख सकते हो गुजिया जैसे होता है ना उस टाइप का है, किससे बना है ये? आटा का बना है, खा लो पहले आटा बना है, इसके अंदर अखरोट की फीलिंग है, खेले तुम्हें क्या मन लग लो उबालो, मम्मी को भी बहुत ज्यादा प्यारा लगा ये लोकल फूड, सो मम्मी अभी यही खाएंगी, ये वाला लोकल फूड ही उनको बहुत पसंद आया, जिसका नाम है सिड्डू। सिड्डू थोड़ा सा टेस्ट कराइए मुझे, चटनी चटनी बिना लगाया क्या, रेड वाला चटनी लगा के ला, थोड़ा सा रेड चटनी तो करो, इसको थोड़ा बना, बहुत सारे टेस्ट का मिक्स है, मतलब काफी लग रहा है इडली खा रही हूँ, कभी लग रहा है कि चावल का आटा कुछ खा रही हूँ, काफी अच्छा टेस्ट है, मतलब यहाँ का जो आलू जीरा बना रहे हैं ना, मतलब इतना सुंदर टेस्ट है, मैं अभी भी खा रही हूँ,
मतलब मम्मी ने अपने लिए मंगवाया था, मैंने ऑलमोस्ट उसमें से 10 पीस मैंने खा लिया, दीदी ने एक खाया। अभी तक दीदी अभी पहुंची है, बाकी सफा मतलब सफाट कर देंगी, वो तो कॉन्टिन्यूसली खाए जा रहे हैं। पापा भी अभी खा रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर टेस्ट बनाया है। क्या मन लग जी असाधारण ना। मैगी कैसा है? अच्छा या नहीं? ये पैंट हमने खरीदा है, ये देखो 3 पैंट खरीदा है 3 लोगों के लिए। और बाकी ये है आनवी का टोपी जो आनवी के लिए खरीदा है हमने, बट मैं दूंगी नहीं क्योंकि उसकी वजह से मुझे पॉटी और भीवर हुआ है। और ये मेरा टोपी, ये आंटी जी एक बना रही है खुद के हाथ से, तो दीदी और वो जाके लेके आए। और ये ग्लव्स भी मैंने आज खरीदा है, टोपी भी खरीदा है, दीदी ने कहाँ रख दिया पता नहीं। क्या लाई हो ये मैगी? अल्फा। अरे हाँ, पहले अल्फा का दाम कितना मालूम था? एक अल्फा जो हम लोग यूज करता था, अच्छा है उसका दाम मीठा मीठा लग रहा है ना, मुझे लग रहा है प्याज ज्यादा है, प्याज बहुत मीठा है इसलिए मीठा हो गया। उनको बोलना चाहिए था कि मैगी बिना प्याज का किया की कर चीज। दीदी ठंड से देखो कांप रही है, मम्मी सो गई है। गाइस ये गुड न्यूज़ है, सदा दीदी ने पहने पॉटी किया है। फिर जाके धुल लेगी पैंट अपना। जो ठंडा पड़ा है ना और पॉटी लगा तो पैंट वही कर दूंगी। भाई अभी चल रहा है शायद -11। इन लोगों को इतना ठंडा लग नहीं रहा है। हाँ मुझे नहीं ठंड लग रहा इतना ज्यादा, बट वो ज्यादा कांप रही है। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छा है कि आप जो जो चीज़ें बोलोगे वो लोग वही चीज़ बना के आपको सर्व करेंगे गर्मा गर्म, तो ये चीज़ बहुत अच्छा है। आपको जो खाने का मन करे वही। मैंने तो ब्रेड टोस्ट खाया था, और ये जो वाइट सॉस पास्ता देख रहे हो ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। अभी बज रहा है 12:49 और अभी मैं रेडी हो गई हूँ। मुझे नहीं पता लोग ट्रिप में आके इतना हेल्दी कैसे रहते हैं, कैसे इतना ज़्यादा गेट रेडी विथ मी करते हैं, इतना ज़्यादा रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। मैं तो बस होटल रूम में पड़ी रहती हूँ, मेरा तबीयत तो ख़राब हो जाता है हर बारी, किसकी नज़र लग जाती है पता नहीं। अभी फ़िलहाल निकल रही हूँ, मम्मी जूता पहन नहीं पा रही है और मैं रेडी हो गई अभी। अभी तो फिलहाल आज जाने का है हमें सामने लोकल साइट से ही करना है, जैसे कि हिडिंबा देवी का टेंपल और क्या क्या आश्रम है वो उधर उधर जाना है, नाम भी नहीं पता मुझे। बट ठंड बहुत ज़्यादा है आज भाई, स्नो देख रहे हो पूरी चारों तरफ स्नो है, बहुत सुंदर व्यू है। होटल का व्यू इतना सुंदर है ना, कहीं जाने का मन नहीं करता। मैं दिखा रही हूँ आपको, इतनी अच्छी जगह पे होटल बिल्कुल मत लेना कि इतना सुंदर व्यू मिल जाए कि जाने का मन ही ना करे। देख सकते हो इधर ही इतना सुंदर मतलब स्नोफॉल हुआ है, यहाँ से इतना अच्छा दिख नहीं रहा है, पर मेरे रूम से ना पूरा क्लियर ये पहाड़ जो है बर्फ़ से ढका हुआ ये दिखेगा। पापा यहाँ पे बैठे, आज हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है, कल शायद स्नोफॉल हो सकता है पता नहीं भाई साहब। और उधर देख रहे हो पूरा स्नो से भरा है, ये सब ये होटल का जो ओनर है उनका ही पूरा जगह है। देखो कितना ज़्यादा प्यारा है, इसका नाम है टाइसन, बहुत प्यारा है ना, हस्कू है ये, हस्कू 6 महीने का। मॉल रोड में भी पता करता हूँ है अभी भी कुछ यहाँ, यानी मॉल रोड में तो बहुत, ये तो कार्ड डालेंगे ना वो उधर, वो है वो जो सामने घर दिख रहा है थोड़ा वो सामने जो घर नहीं दिख रहा। पहुँच गया पहला डेस्टिनेशन, दीदी और पापा अलग गाड़ी में थे, हम अलग गाड़ी में थे, चलो तो कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अभी वशिष्ठ टेंपल, वशिष्ठ मुनि जी टेंपल। रोड काफ़ी अच्छा है, बहुत सारी सामान मुझे दिख रहा है जो मुझे ख़रीदना है वहाँ पे। नहीं इयररिंग्स वेयरिंग तो छोड़ो, वो तो उधर अच्छा मिलेगा और, बट मैंने वहाँ पे देखा एक कान ढकने वाला चीज़, यहाँ पे कैप्स भी बहुत प्यारे प्यारे से।
बहुत कुछ देख सकते हो, बहुत प्यारे प्यारे से सामान है यहाँ पे। और व्यू एक बार देखो भाई। तो हम जा तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम है, बट मम्मी बहुत थक गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। गाड़ी यहाँ पे नहीं है, बट मैं देख रही हूँ मैक्सिमम गाड़ी आगे जा रही है, हमारे साथ शायद सैम बढ़ी है, बोला कि नहीं जाएगी हम लोग, तो बात करना पड़ेगा। मैं खुद ही नहीं चल पा रही, पता है तो आप लोगों को कितना तबीयत ख़राब है, हाफ जा रही हूँ बहुत ज़्यादा, बट व्यू इतना सुंदर है फिर भी धीरे धीरे चल ले रही हूँ। मम्मी का तबीयत ऐसे ही ख़राब है तो मम्मी चल नहीं पा रही है, तो बहुत रुक रुक के हम लोग चल रहे हैं। थोड़ा सा ना खराई रोड है, थोड़ा सा हाइट है। सो फाइनली मम्मी ने कर दिखाया, हम लोग पहुँच गए हैं पैदल, और आपको दिखाती हूँ बाहर से। ये है देख सकते हो, टेम्पल बहुत ज़्यादा प्यारा, इधर छोटा सा दोस्त कितना प्यारा। टेंपल पे अंदर भगवान को दिखाना मना है यहाँ पे, तो बाहर से आप लोग देख लो बहुत सुंदर। बाकी हम लोग यहाँ से भी निकलेंगे, वॉल भी चलेंगे। यहाँ पे आप लोग हॉट शावर भी ले सकते हो, हॉट बाथ भी ले सकते हो। यहाँ पे आप लोग ऐसे पैर डाल के भी बैठ सकते हो, काफ़ी रिलीफ मिलता है कोई पैर में पेन हो या फिर कुछ हो। बट मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं स्टॉक पीस पहन के आई हूँ, हमें नहीं नहीं लेडीज़ के लिए, लेडीज़ के लिए पीछे है। बट क्या है कि मैं हमेशा गलत जगह पे गलत ड्रेस पहन के जाती हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगी। तो ये था लड़कों का जो था वहाँ पे जाके उसने वीडियो बनाया, तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। ऐसा एक तालाब टाइप का होता है गर्म पानी का, और वशिष्ठ मुनि का टेंपल छोड़ के यहाँ पे हनुमान जी का टेंपल है, राम मंदिर है, और भी बहुत सारा टेंपल आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसके बाद वशिष्ठ मुनि टेंपल से हम लोग निकले हिडिंबा देवी टेंपल जाने के लिए, कम से कम आधा घंटे तो लग ही गया उसमें। तो हम पहुँच गए, इधर से ऊपर जाना पड़ेगा हिडिंबा देवी टेंपल के लिए। इधर हम लोग कल भी आए थे शॉपिंग के लिए, मेरे हमारे होटल से बिल्कुल सामने है। सर ये हिडिंबा देवी है शायद, हिडिंबा नहीं गलत बोल रही थी। व्यू बहुत अच्छा है, देख सकते हो आसमान में बिल्कुल बादल छा गया है और बिल्कुल भी धूप नहीं है, इसलिए ठंड बहुत लग रहा है। और उधर वो पिक देख सकते हो, वहाँ पे बिल्कुल बर्फ से बिल्कुल ढक गया है। सो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है गाड़ी को, अगर आप लोगों को पता हो पहले से फिर ही गाड़ी इधर तक आएगी, नहीं तो गाड़ी आपको आगे तक छोड़ देगी। तो आप अगर यहाँ पे आ रहे हो तो गाड़ी इधर तक आती है जनरली, तो इधर तक आप लेके आ सकते हो, बाकी इधर तो आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिल रहा है पूजा का सारा सामान। नारियल वाला एक ले ले भाई, नहीं 500 का छुट्टा नहीं होगा कि दो क्यों लेना, एक ही ले लो क्यों। हाँ इसमें से प्रसाद हो जाएगा, एक ही ले लो। नहीं नहीं वो दे दीजिए बस, नारियल वाला। हाँ कितने का है? 80। तो 80 रुपए में आपको ये मिल जाएगा और वो 20 का है। यहाँ पे भाई सीढ़ी बहुत है, भाग जा रही हूँ। मुझे लग रहा है शाहरुख का जब होता दीपिका के जैसे हमें उठा के लेके जाता। चलो आगे चलो, क्या हो गया? बिस्किट होगा, चलो भीड़ लग गया भाई। अरे पौड़े देख भी देख, अरे चलो आगे, रुक जा रहे हो आप। काफी ज्यादा मम्मी पापा जा रहे,
सो काफ़ी सीढ़ी पार करने के बाद फाइनली पहुंच गए हम लोग। ये हिडिम्बा है या फिर हिडिम्बा है? हिडिम्बा, नीचे हिडिम्बा लिखा था। हिडिम्बा, हिडिम्बा। आप श्योर हो ना? हाँ, हिडिम्बा। कितना सुंदर, देख सकते हो पूरा बर्फ पड़ा है इसमें। देखे देखे धीरे धीरे पूरा देख सकते हो यहाँ पे, और नीचे बिल्कुल ब्लैक आइस जमा है जिसमें आपका पैर फिसलने का चांसेस तो बहुत है। दीदी पूजा चलाएंगी। वेदर बहुत ही खराब कर दिया अभी, कैसे धूप चला गया है। तो मुझे जो लग रहा है कि उधर है ड्रेस लेके फोटोज क्लिक कराने के लिए, इधर है मंदिर। तो इधर चलते, पहले जाएंगे, पहले देख लेते फिर। तो ये ब्लैक आई से देख सकते बस गिरु ना ध्यान से यही रिक्वेस्ट। हाँ, ये रहा मंदिर। सो देख सकते हो यहाँ पे ये कैसा है पहाड़ का। ऐसे ऐसे खींचूंगा। घटोत्कच का टेंपल उस साइड में है। देखो कितने सारे भेड़ का वो जो सिंह होता है ना, सिंह देखो लगा हुआ है यहाँ पे, बहुत सराहनीय ना। अभी घटोत्कच के मंदिर से आप लोग जहाँ से भी निकलोगे ना, आपको बहुत सारा मतलब पैदल चलना पड़ेगा। उसके बाद आप फिर से हिडिम्बा देवी टेम्पल ही जाओगे। जहाँ से भी निकलो यहाँ से कम दो तीन रोड है, मतलब दो तीन रोड में आप कोई सा भी रोड लो, आपको हिडिम्बा देवी टेम्पल में ही जाके फिर से मिलना पड़ेगा। वहाँ से फिर से वो सीढ़ी सब कुछ आपको जाके ही फिर से आपको मेन रोड जो है वो मिलेगा। सो यहाँ पर हम लोग आए, यहाँ पर लंच करेंगे, हम लोग खाएँगे मैगी और मम्मी खाएँगे कॉर्न। मैगी पापा कुछ नहीं खाएंगे, बाकी तीन हम लोग खाएंगे मैगी और मम्मी खाएंगे भुट्टा। इन लोगों ने ऑर्डर किया है मोमो, जो कि मैंने ध्यान नहीं दिया था। मोमो के साथ मिला है दो तरीके का चटनी, एक रेड चटनी एक हरा चटनी। तो टेस्ट कैसा है? तो मुझे भी देख के अच्छा लग रहा है, बट मैं मोमो नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। दीदी खाएंगी पोड़े जाबी की कोर्ची। ना ना मोमो नहीं खाऊंगी, पेट में दिक्कत आ रही है। इटे बॉस कुछ और रखा। मैगी बन गया और मैगी का मजा भाई पहाड़ों में आता है। देख सकते हो सामने का व्यू, और साइड में भी इतना बर्फ है, थोड़ा सा गंदा है, बट भाई व्यू देखो एक बार, गर्म है बहुत। तो एक एक प्लेट मैगी ख़त्म हो गया है, दूसरा प्लेट वो लेने गया है। सबको इतना पसंद आया ये मैगी, और होटल का मैगी भाई मत ही पूछो, बड़ा गंदा टेस्ट था। दूसरा प्लेट आ रहा है मैगी। सो अभी हम लोग घर आ गए और मैं बैठी हूँ बैल्कनी में, तो आपको दिखा रही हूँ बाहर का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। सो ये देखो, ये आई है मुझे मेडिसिन देने, जैसे लग रहा है देख के दारू है, बट मेडिसिन है ये। इससे होपफुली दोबारा किडनी स्टोन नहीं होगा। मेडिसिन कितना कड़वा होता है। ये लड़की बहुत गंदी है। और ये दूसरा रूम है हमारा, मेरा रूम नहीं है, पापा का। हाँ, मैं उसके साथ ही रहती हूँ। हाँ, मैं मम्मी और वो तीनों मिलके कुटुश कुटुश करके रहते हैं।
सो ये रूम वैसे तो बहुत सही था, देखो कांप रहे लेट लेट के। तो हम लोग जा रहे दूसरा रूम देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हाँ पर डे 1000 रुपए देके यहाँ से हमने ये लिया था। ये गर्मी नहीं दे रहा है भाई, हमेशा ये लोग पेंगुइन की तरह, पेंगुइन पड़े नहीं रहते सॉरी, इसको क्या बोलते सिंधु घटक, सिंधु घटक शील माछ उनकी तरह पड़े रहते हैं, ठीक है। और कुछ हाँ घूमने आया भाई, पड़े रहने नहीं आया, मैं तबीयत खराब लेके भी घूम रही हूँ, तो इसीलिए हम मतलब मैं और ये आदमी जा रहे हैं अभी नया होटल के तलाशी में, और पापा को बुलाने गया है। मैं टोपी पहन लेती हूँ फिर निकलते हैं भाई, इसीलिए मैं ब्लॉगर नहीं बन सकती क्योंकि इतना चढ़ गई, हाफ गई पूरा, फाइनली पहुँच गए। अभी यहाँ से पूछेंगे कि इनका रेट क्या है। ये देखो फ्रंट से दिखा दिया, बात करके बताती हूँ। हम हो गए पूरा कंफ्यूज्ड क्योंकि हमें एक मतलब होटल का जो एक्सटर्नल जो ब्यूटी है उससे मतलब प्यार हो गया, इतना ज़्यादा सुंदर है जो लास्ट में हम लोग गए, और जो पहला होटल है उसका रूम सुंदर है, तो रूम सुंदर है या फिर होटल सुंदर है, क्योंकि ये मतलब होटल ना तो ऐसा खाली खाली लग रहा था कोई है नहीं, कोई है नहीं, बट ये होटल मतलब लग रहा है कि जान है इस होटल में, मतलब इतना सुंदर लोग घूम रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहा है कि कोई राजा महाराजा का कोई चीज़ होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया कि कौन सा होटल करे, तो आप बताओ कौन सा करना सही रहता। सो अभी आए हैं रात के 9 बजे खाना खाने, और ये देखो माफिया डॉन, और पापा ने पहना मम्मी का चप्पल, मम्मी ने पहना पापा का चप्पल, ये देखो पापा ने पहना ये मम्मी का, और मम्मी का दिखाओ पापा बाबा का पहन के आगे कियन का। अभी स्टार्टर में फ्रेंच फ्राइज एंड ये क्या है, चिली पनीर, चिली पनीर ड्राई, मैं नहीं खाती पनीर, तो एक ही बनेगी अभी खाओ ना यार, आंटी और अंकल तो खा सकते हैं, इसलिए मैंने कराया। उनको दूर से दे दो पनीर, दे दो पनीर करके हमारे मुख पर लगा, हाथ पर दे दो, तू दो